Hey guys, welcome back to another fresh vlog. मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मजेदार फ्रेश व्लॉग में और एक नए व्लॉग की शुरुआत अगेन एक फ्रेश डे के साथ। और इसी के साथ एक और नया व्लॉग, एक और नया दिन आज है भाई। अगेन भाई अभी भी बनारस में, और भाई होटल से चेकआउट करके जस्ट निकले हैं अभी, और यहाँ से चल रहे हैं भाई अपनी, आज अपना डे थ्री है भाई भाई अपनी सारी जो आज के आइटनरी प्लेसेस है भाई वहाँ चल के आपको घुमाते हैं चल के। और बहुत फेमस, थोड़ी सी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, गाड़ी तो अपने पास थी। चल रहे भाई यहाँ से हम लोग सारनाथ, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। बाकी अभी चलते हैं फिर, और आज इस व्लॉग में भाई अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं चल के विश्वनाथ जी का पूरा कॉरिडोर। दर्शन हम लोग पहले दिन कराए थे तो दर्शन के अंदर जाने में देते कैमरे को, बट कॉरिडोर वगैरह नहीं घूमे थे, तो कॉरिडोर वगैरह आज घूमेंगे जाके, जिसमें भारत माता मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं एक बार पहले वहाँ पे सारनाथ, वहाँ से घूमाते हैं। 10-15 किलोमीटर है भाई, ऑलमोस्ट 11-12 समथिंग है, तो 22 किलोमीटर आना जाना हो जाएगा। आराम से घूम फिर के इसको वापस भी कर देंगे आज, और आज भाई अपनी ट्रिप एंड हो जाएगी शाम में, तो शाम तक एंजॉय करो, मजे करो। ये खड़ी कर दी गाड़ी और आ गए भाई सारनाथ फाइनली। अब चल रहे हैं भाई सारनाथ के अंदर। एक्चुअली वी हैव रीच्ड हियर द सारनाथ टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल है कि, और देखो पीछे लिखा हुआ है चौखंडी स्टूपा। यहाँ पे देखने आए हैं ऋषि, अभी ऑनलाइन टिकट बुक कर रहा है भाई, मतलब अंदर के एंट्री की जो है। बाकी टिबेटियन का भी थोड़ा सा, टिबेटियन है कि चाइनीज है, मुझे अभी ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट लेकिन चल के भी एक्सप्लोर करते हैं। बनारस से जहाँ पे हम लोग थे 80 घाट से, वहाँ से ऑलमोस्ट 20-21 किलोमीटर दूर है, 20-21 नहीं शायद 15-16 किलोमीटर दूर है, हाँ 16-17 है। तो ये खड़ी देखो गाड़ी खड़ी भाई, इसको भी अभी जाके वापस करेंगे। इसके बाद चलेंगे भाई, आज है सबसे बढ़िया दिन, आज जन्माष्टमी है भाई, तो अभी यहाँ से इस्कॉन टेम्पल चलेंगे बनारस के। आपको बनारस का इस्कॉन टेम्पल दिखाते चल के, और जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण के धाम चलेंगे, और उन्हीं के आज इसीलिए मेरा व्रत भी है भाई। मैं सोच रहा था जन्माष्टमी में मैं व्रत रहूँगा, आज पहली बार भाई मैं व्रत हूँ भाई जन्माष्टमी में। बाकी मुझे भूख देखो, ऋषि टिकट लेके चला भी गया, कितना हुआ भाई देख रहे। और बाकी टिकट का कोई सीन नहीं है, ऑफलाइन भी दो टिकट काउंटर बना, ऑफलाइन भी मिल जाती है। ऑफलाइन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपना आओ यहाँ पे स्कैन करो, और जब स्कैन करोगे तुरंत ही टिकट झटपट मिल जाएगी। और ये हो गई हमारी एंट्री, और ये देखो भाई दिस इज द सारनाथ टेम्पल। थोड़ा सा गलत टाइम पे हमें लग रहा है हम लोग आ गए हैं, बट लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है भाई, लोकेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अभी तरह से टहल रहे हैं भाई यहाँ पे, ये देखो भाई दिस इज़ द रियल ब्यूटी। तो भाई अभी आ गए भाई, देख रहे हैं घूम रहे हैं अंदर, और बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रीनरी बहुत है भाई, खास कर देखो देखो भाई कितनी ग्रीनरी है। और ये है भाई देवी टेम्पल, जो कि सारनाथ टेम्पल ऐसा मतलब बोलते हैं, सारनाथ तो वैसे जगह की नाम है, और हालांकि टेम्पल का भी नेम वही है। ये देखो ऊपर जाके पड़ता है, तो अभी तो चल रहे हैं उधर भाई आगे कहीं छाई में अच्छी जगह देखते हैं चल के, और बैठते हैं एक्सप्लोर करते हैं आप लोग के लिए एक्सप्लोर करने की जगह। बाकी भाई बनारस में कुछ नहीं बचा, बस एक इस्कॉन बचा है और विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बचा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं बचा, सब भाई घूम डाला बनारस में। 2 दिन अपन लोग यहाँ, डे 3 अपना, तो पहुँचते हैं भाई। जब बनारस में डे 2 है भाई, घर से निकले थे तो डे 3 है घर के हिसाब से, क्योंकि एक दिन रात में निकले, शाम के टाइम निकले तो रात भर तो हमें आने में लग गए। तो ऐसे भाई जैसे बोल भाई अपना फोटो फाटो खींच लें, आओ यहीं बैठते हैं यार, पूरा घूमने का भाई है केवल, मतलब ट्रैकिंग है यार, देखो जाके चलते रहो भाई से, पूरा ट्रैक बना हुआ टहलते रहो। 20 रुपये ऑफलाइन टिकट है भाई इसकी, और इसी जगह यहाँ जाके बैठ गए भाई, अब अपन लोग वहाँ बैठते चल के और इन्जॉय करते हैं चल के। सारनाथ हमें लग रहा है गलत टाइम पे है, शाम टाइम पे आने वाला होता है आई थिंक सो, क्योंकि इस टाइम पे देखो धूप हो रखी है, तो शायद मैं भी कोई नहीं दिख रहा हूँ, बट अच्छा बहुत लग रहा भाई। हो गया भाई यहाँ पर शूट होके, अब आगे चल रहे हैं, लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 3-4 फोटो वोटो खिंचा लिए अपन लोगों ने। जिसको नहीं देखा भाई जाके भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जब स्टोरी देखो जाके स्टोरी सब लगी है फोटो वोटो, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे ये ऐसा है सब, अब उधर जा रहे हैं कुछ ट्रैक इंजॉय एक्सप्लोर करने, और भाई थोड़ी देर स्टूपा के साथ फोटो खिंचाएंगे, और चौखंडी स्टूपा शायद है ये, और स्टूपा अगर आप बुद्धिस्ट के होते हैं वो तो उन्हीं का कुछ है ऐसा साथ साथ। बाकी भाई बनारस में आपको सबके रिलीजन का कुछ ना कुछ मिलेगा भाई,
मुस्लिम रिलीजन का भी बहुत बड़ी मस्जिद है भाई यहाँ पे, साथ में हिंदुज़म का भाई चलो मान लो, और ये लो बुद्धिस्ट का भी है भाई, जिस विच इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। खास कर ये शाम के टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है, हम लोग तो सुबह आए अभी 10-11 बजा हुआ, शाम के टाइम ज़्यादा वो होता है क्योंकि इवनिंग सनसेट हो रहा होता है, तो मे बी इस पर लाइट पड़ के अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा कुछ है भाई, रियलिटी क्या हो तो मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है कुछ भी हो। तो यहाँ पे आ गए और यहीं पे शूट करते हैं एक रात फोटो वोटो का, देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, एंड जस्ट इतना रियल फन भाई, रियल ब्यूटी अभी आपको दिखाते स्तूपा की भाई यहाँ पे, और यहाँ से भाई प्रॉपरली तरह से जो व्यू आ रहा है भाई इसका, हालांकि टाइम थोड़ा सा डिफर कर गया, हम गलत टाइम पे आ गए क्योंकि इस टाइम पे खाली वाली है, और ये देखो भाई यहाँ से आपको प्रॉपरली दिखेगा कि भाई क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, और रियलिटी में भाई बहुत सही लग रहा है, बहुत ग्रीनरी है, खासकर ऋषि उधर देखो पानी भर रहे हैं भाई वहाँ पे, तो भाई ऐसा पूरा बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब, बहुत मज़ा आ रही भाई घूमने में, और वर्थ है भाई, वेस्ट नहीं गए पैसे, पहले हम सोचते थे भाई पैसे वेस्ट हो गए, और भाई यहाँ से देखो क्या इस टाइम व्यू आ रहा है, ये देखो भाई ये भाई स्तूपा कच्छप है, और मौसम भी बढ़िया है, कोई ना बारिश है ना कुछ है, धूप निकली थोड़ी सी, और इवन दो दिन बारिश होनी थी यार, आज का वेदर फोरकास्ट थोड़ा ठीक है, ज़्यादा बारिश का है नहीं मौसम। चलो निकलते हैं, एक्सिट करते हैं यहाँ से, और अब यहाँ से चल रहे हैं भाई इस्कॉन टेम्पल, तो चल के आप लोग एक्सप्लोर कराते हैं इस्कॉन टेम्पल, मिलते हैं आपसे बाहर। तो भाई ऐसा पूरा सीन है भाई, आ गए भाई यहाँ पे इस्कॉन के पास, क्योंकि ये बना हुआ है भाई इस्कॉन टेम्पल, देखो चल रहे हैं भाई यहाँ से अंदर इस्कॉन टेम्पल, देखें स्टार्टिंग कहाँ से होती है और चलते हैं, चलो कहाँ से भाई, लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है, लेकिन सामान भाई फाइनली अब अंदर जा रहे हैं भाई मंदिर के, ये देखो भाई फाइनली भाई मंदिर आ गया, वो है भाई मंदिर, हो गए भाई दर्शन हो गए, गजब बहुत सुंदर था भाई, दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल लाइफ ऑफ श्री कृष्ण। ओके डिफरेंट लीलाज व्हाट दे कृष्ण डिड इन हिज लाइफ दे आर रिप्रेजेंटिंग दीज थिंग्स। ओके यस 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 ओके यस 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 ओके ओके हो गए
गए भाई, फाइनली दर्शन हो गए गजब के, और बहुत गजब का रिप्रेजेंटेशन भी था वहाँ पे। अब देखो ये बना रखा है इन्होंने फोटो शूट के लिए, जिसपे भी अपन लोग भी फोटो वोटो खिंचाएंगे। एज अ देखो सेल्फी पॉइंट लिखा भी हुआ है, हरे कृष्णा चेतनास बहुत देर थीम, और इधर में पूरा इन्हें सेक्शन लगा रखा है, इफ यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग लाइक बुक्स एंड यू हैव टू डोनेट। दिस इज अ सेल्फी पॉइंट ऑफ चेस्टनट। चेस्टनट यहाँ पे एक भाई बेकरी है, जो एज अ प्रमोशन के तौर पे उन्होंने ये चीज सेल्फी पॉइंट बनाई हुई है, जो कि जिसमें डिपेक्ट कर रहे हैं भाई कृष्ण जी जो है वो केक कट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स जन्माष्टमी टुडे। लेट्स गो, अभी हम भी फोटो खिंचाएंगे भाई साहब, ये खा लें, प्रसाद मिला इनको, हमारा पास है तो हम तो निकालेंगे। भाई करा है भाई दर्शन कृष्ण जी के, बहुत पीसफुल भाई, बहुत गजब का भाई बना है इस्कॉन। तो खैर हरी जगह अच्छा होता है, बट भाई दफे भाई बनारस का भी इस्कॉन देख के मजा आ गया भाई। अभी यहाँ बैठे हुए हैं ये घर के बाहर, क्योंकि यहीं से हमने ये इनकी सर्विस है भाई, बाइक रेंट्स की, बाइक स्कूटी देख लो, सब स्कूटियाँ भी खड़ी है, एक कार भी खड़ी है, उसके पीछे बोल्ट वोल्ट सब खड़ी है, गाड़ी वाड़ी सब है इनके पास। तो रेंट वेंट पे लेने के लिए शोंकुल धरा करके कोई लोकेशन है यहाँ पे भेलूपुर में, वहाँ से हम लोग ने ली थी गाड़ी, तो वही अभी आ रहा है, रिटर्न प्रोसेस होगा उसका। तो अब घूम घाम लिए, अब यहाँ से चलेंगे काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर घूमेंगे चल के, अब उसके बाद फिर सीधा स्टेशन जाके ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। रास्ते भर का क्या ब्लॉग करेंगे गाइस, क्योंकि दिन भर ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया है, और अब सीधा करके निकल चलेंगे घर, क्योंकि अपनी ट्रेन भी शायद शाम की 5-5 बजे की है, देखते हैं कितने बजे क्या होता है। और अभी चल के, लेकिन अभी एंड नहीं कर रहे, अभी चल के आपको कॉरिडोर घुमाते हैं, पूरा कॉरिडोर पूरा घूमते हैं, और फाइनली हमारी फिर वाराणसी की ट्रिप एंड हो जाएगी इसी ब्लॉग के साथ। तो ऐसा पूरा सीन है, बाकी अभी आ रहा है भाई, बाइक रिटर्न कर दें। और भाई बाइक ने भाई बहुत साथ दिया भाई, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट भाई हम लोगों ने क्या चीज़, अच्छा हम लोग ने भाई ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर गाड़ी घूमी, 100 किलोमीटर तक इन लोगों ने रेंज दे रखी थी कि आप एक दिन में 100 किलोमीटर तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा जाओगे तो फिर आपको 5 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 75 किलोमीटर ही घूम पाए भाई, घूम ही नहीं पाए इतना, लेजिटरी भाई लेजिटिमेट पेट्रोल बहुत कम लगा भाई, स्प्लेंडर थी एवरेज ऑब्वियसली देती है। हम लोगों ने कितने भराया था, 100 रुपये भराया था, 100 रुपये पेट्रोल में भाई ये गाड़ी पूरी 75 किलोमीटर घूमी, प्लस अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल शो कर रहा है पता नहीं कैसे, और जब इन्हें दी थी तब एकदम खाली थी, सोचो इवन एक दो बार झटके भी आए थे पहुंची थी वहाँ पे। मैं चलो कोई बात नहीं, खैर वो तो अब पेट्रोल थोड़ी निकालेंगे, अब वो जो है पड़ा है उसमें, जैसे पूरा सीन है। बाकी अब एक बार रिटर्न प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। अब वापस भाई बाइक लेस हो गए, पैदल आ गए, तो पूरा ऑलमोस्ट 24 घंटे भाई बाइक लिए घूमे, जहाँ जाते थे सीधा, अब मिलते हैं आपको वहीं पे सीधा। फाइनली भाई वापस से अपने भाई से बदौलिया चौक पे आ गए, अब यहाँ से वहाँ जा रहे कॉरिडोर, तो मणिकर्णिका घाट चलते हैं यहाँ से, फिर वहाँ से पहुँचेंगे भाई, क्योंकि बाकी दशाश्वमेध घाट से तो रास्ता बंद है भाई, क्योंकि पानी इतना ऊपर है तो भाई जा नहीं सकते उधर से, और कोई घाट से रास्ता है नहीं। मंदिर इधर अगर हम लोग मेन मंदिर के अंदर जाएंगे तो पूरा हमको पहले लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी तब हम जा पाएंगे, इसलिए। अबे लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, ये जो गेट नंबर कौन सा मेन गेट जो है ये, यहाँ से कॉरिडोर के लिए तो घुस ही सकते हैं, गरीब थोड़ी दर्शन के लिए घुसे हैं, दर्शन नहीं इधर साइड के लिए अंदर, हाँ ना वैसे ही किस वाले गेट में भी होगा, तो एक काम करें ये करते हैं, हाँ दर्शन गए जब हम लोग सबसे फर्स्ट डे आए थे, सुबह सुबह हम दर्शन कर आ चुके थे, और अभी चल के आपको दिखाते हैं, वहाँ दर्शन के लिए कैमरा अलाउड भी नहीं है, तो वहाँ पे हम दिखा भी नहीं पाते हैं, वहाँ अगर आपको कैमरा लेके जाते तो फोन वोन सब जमा हो जाता है वहीं से। अब यहाँ से चल रहे हैं गेट नंबर 2 है कि 1 है ये नहीं पता, बट मेन गेट है जो गुदौलिया चौक से मेन मंदिर के लिए जाता है, रोड एक BHU के लिए जाता है पीछे, और उसके ठीक अपोजिट में जो जाता है वो वाले गेट से अंदर घुसेंगे। अब भाई बहुत हॉर्न बजाते हैं यार यहाँ पे लोग, हालांकि हम गाड़ी लिए ना यार, हम तो नहीं बजाए हॉर्न, यहाँ पता नहीं कितना हॉर्न का यूज होता भाई। चल रहे भाई विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर चल के, देखो यहाँ खाने पीने का सब व्यवस्थित है, पूरा रेस्टोरेंट टाइप में बना है, फूड कोर्ट, खाओ पियो घूमो, और ढूंढ रहे हैं भाई।
भाई ये है पूरा कॉरिडोर, ठीक है, वो गंगा जी है मेन आरती जो नमो घाट है, और मेरे सामने एक टेंपल बना हुआ, चल के आपको दिखाते हैं टेंपल। और ये दुर्लभ दर्शन का वो एक्सपीरियंस है, जैसे कि मतलब आप लाइन में नहीं लग सकते, आप नहीं देख पाओगे, तो आपको ये लोग VR पहना देंगे और VR से आपका दर्शन हो जाएगा। तो ये वो उनके लिए फिर दिक्कत नहीं बात नहीं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है चलने वाले में। ये बना हुआ है भारत माता मंदिर, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है भाई, यही है भारत माता मंदिर। अब इसमें जाने का रास्ता तो मे भी नहीं है शायद, तो ये ऐसा पूरा है। और ये पूरा कॉरिडोर बना है फूड कोर्ट, वो है सामने रहा विश्वनाथ मंदिर, अभी चलेंगे तो ले चलेंगे उधर, आपको बाय द वे दिख भी रहा होगा। इस गेट के अंदर जो गेट दिख रहा है आपको, इस गेट के अंदर कोई भी फोन ऑन अलाउड नहीं रहता है। जितना फोन चलाना यही चलाओ, यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद नहीं रिकॉर्ड कर। और ये है भाई गंगा घाट, जो कि नमो घाट बोल सकते हो इनको आप, क्योंकि ये मेन मणिकर्णिका घाट पर बना है। और मणिकर्णिका घाट भाई एक ऐसा घाट है जहाँ पे भाई वेयर लाइफ मीट्स डेथ, भाई यहाँ पे 2400 घंटे भाई यहाँ पे आपको चलती हुई मिलेंगी भाई लाशें। और ऐसा मानते भाई जो यहाँ से मतलब जिसकी यहाँ पे डेथ होती है उसका मोक्ष मिल जाता है। तो भाई ये है भाई मेरे पीछे का व्यू, देख रहे हो, गंगा दर्शन कर सकते हो, आओ। ये देखो कितने धीरे धीरे आ रहे हैं, आजा भागा। और भाई यहाँ से भाई अपनी ट्रेन भी बुक हो गई है, मुश्किल से 1 घंटे का टाइम अपने पास और है, और फिर उसके बाद फटाक चलना है ट्रेन में। ये देखो त्र्यंबकेश्वर भवन भाई, ये है तो मेनली काशी विश्वनाथ का टेम्पल की विच इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, बट लेकिन यहाँ पे आपको सारे और ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, सोमनाथ है, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सब देखने को मिलेंगे इंडिविजुअली, बट लेकिन मेन टेम्पल उसका है। तो चल रहे भाई अभी तो गंगा की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा था महाकालेश्वर टेम्पल मिल गया, ऐसे मतलब सारे ज्योतिर्लिंग के मिलेंगे वो। और जैसे गंगा व्यू बंद कर रखा है क्योंकि वो है ना भाई पानी का, देख रहे हो फ्लो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए गंगा घाट का वो बंद कर रखा है। जिसको करना है फोटोशूट वगैरह यहीं से खिंचा लो, बाकी जब पानी का फ्लो कम था तो इधर से भी आना होता था। और मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो इसमें पड़ा हुआ है इधर का भी, तो कितना गजब का भाई व्यू है। सी हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे अब इस टाइम, और बहुत गजब लग रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है, इसके आगे जाना अलाउड भी नहीं है, देख रहे हो। इधर देख लो भाई, वो देखो भाई फ्लो, हवा इतनी तेज चल रही, झंडा देख रहे हो तुम। ओ भाई दिस इज ऑल अबाउट सारनगम इन काशी। तो भाई गर्मी एक तो बहुत ज्यादा है भाई, पसीना बहुत तेज निकल रहा है। ये है मेनली कॉरिडोर यहाँ का, अब वो बंद है तो आगे गंगा व्यू आपको यहीं से लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द फ्लो फ्लो बंद कर रखा है। अब चलते हैं भैया इधर, एक आखिरी टेंपल और एक आखिरी लोकेशन बची जो आपको दिखानी है। ये एक सैड न्यूज पता चली अभी अभी, ये देख रहे हो मेरे पीछे एक मंदिर देख रहे हो भाई आप लोग, ये मंदिर भाई ये है नेपाली मंदिर। और इसके पीछे एक फैक्ट भी है कि इसका जितना भी भाई मेंटेनेंस वगैरह जो भी होता है वो प्रॉपरली तरह से नेपाल गवर्नमेंट करती है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट आज भी, बिकॉज ऑफ द इंडियन और नेपाल के रिलेशन इतने ठीक हैं, तो उसकी वजह से कोई ऐसा इंटरफेरेंस भी नहीं रहता है, तो इसका पूरा मेंटेनेंस भाई देखती है भाई इस टेम्पल का। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो ये चीज़, बाकी यार अनफॉर्चुनेटली मन बहुत जाने का, बट जा नहीं पा रहा है क्योंकि भाई रास्ता बंद है, क्या कर सकते हैं। तो ये है भाई पूरा कॉरिडोर घूम लिया, दर्शन लोग फर्स्ट टाइम ही कर चुके थे। तो भाई यही है पूरा आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं, क्योंकि यही देख लो भाई यही कॉरिडोर है भाई विश्वनाथ जी का। पानी आ गया भाई, एक भाई मेरा व्रत है भाई, सुबह से फल खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं बस। ये भाई मणिकर्णिका घाट भाई, फ्लो भाई कुछ ज़्यादा ही फ्लो बढ़ गया भाई इस बार तो, देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा फ्लो बढ़ा हुआ है इस टाइम पे। और यही है भाई विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, जहाँ पे ऐसे आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर का रास्ता उधर है भाई, मतलब पड़ता है इधर से ही मंदिर भी है, बट लेकिन जाना अलाउड नहीं है, तो ऐसा पूरा सीन है। बाकी ठीक है, ये कॉरिडोर, और पानी ना होता तो नीचे दिखाते, बहुत नीचे तक होता है भाई, ये वाटर इस टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर है भाई पानी का लेवल, वैसे तो नीचे रहता है बस। तो भाई ठीक है, यही था आज का ब्लॉग, 3-4-5 चीज़ें, नेपाली टेंपल कवर करना था भाई, बट लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बंद है भाई, कोई सुनिए। ये देखो मैप बना हुआ है, इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे हैं, नहीं एक मिनट भाई, ये मंदिर है
तो यहाँ से हम लोग चल के इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये फूड कोर्ट है, जीने उतरे, ये रिवर व्यू है, फिर रिवर व्यू के बाद भी देखो इतने स्टेप्स हैं सारे नीचे, और केवल पानी के फ्लो की वजह से केवल एक स्टेप दिख रहा है बस खाली इतने, और ये रियलिटी में इतने ही स्टेप्स नीचे भी हैं जो ये मैप पे डिपेक्ट हो रखे हैं। हम लोग यहाँ पे हैं अभी, देख रहे हो ये इस जगह पे अपन लोग हैं, और ये देखो पूरा मैप के साथ साथ पूरा नोटिस, ये शंकराचार्य चौक उधर है, मंदिर का परिसर भी उधर है, ये मणिकर्णिका घाट का गेट है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, आज का व्लॉग से चार पांच चीजें कवर करनी थी हो गए, इसी तरह अपना जो व्लॉग का वो है मोटिव वो भी खत्म हो गया भाई, ट्रिप के साथ हमारी वाराणसी की ट्रिप एंड हो गई। अब जा रहे हैं यहाँ से स्टेशन, थोड़ी रेस्ट करते हैं, ठंडा कुछ खाते पीते हैं नीचे फूड कोर्ट से, ये तो खाएंगे हम तो खा भी नहीं पाएंगे, हमारा वो है व्रत है भाई। तो चलते हैं सीधा यहाँ से स्टेशन और ट्रेन पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं, 3:20 की हमारी ट्रेन है भाई, ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है अभी, तो कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं सीधा स्टेशन। अब करते हैं भाई अपने ब्लॉग को एंड, क्योंकि भाई अब इससे ज़्यादा ब्लॉग करने की ताकत बची नहीं है, बहुत थक गया भाई, लेकिन आज की रात जब सोएंगे ना घर जाके, मैं लग नहीं रहा सुबह में जल्दी उठ पाएंगे भाई, और जल्दी उठना ही क्यों है, मतलब क्या दिक्कत है, आराम सोते रहेंगे, तो ऐसा पूरा सीन, बाकी बैग आगे कर लिए भाई, अरे यार कार लगा दी अपनी यहीं पे। ये है भाई दबे वाराणसी का स्टेशन, तो भाई बाकी यही सब था ओके, और एक चीज़ और भाई, जहाँ से गाड़ी वाड़ी का अगर यहाँ पे आना तो गाड़ी ले लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिना गाड़ी के घूमना मतलब यार बहुत थक जाओगे और बहुत ज़्यादा वो करोगे, तो बाकी जिससे हमने गाड़ी ली थी बहुत बढ़िया भाई था अपना, वो भी जाना हो तो बात कर लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर मेंशन हो रखा है, जाना देख लेना ताकि उसकी उस पर लेना हो ले लेना भाई बनारस में, और शायद उसका बनारस से बाहर भी किसी सिटी में ऐसा कुछ है, देख लेना बात कर लेना, अगर तुम्हें चाहिए हो तो ले लेना उसमें, सही ज़्यादा है, सही एक्सपीरियंस रहा मेरे पास, तो ठीक है करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय और चलिए।